प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक है, इससे बहुत सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। बता दें कि एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। वहीं 250 से ज्यादा छोटे पुल, 15 से ज्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। वहीं 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है। वहीं एक्सप्रेस वे पर कोई पशु ना आ पाए, इसके लिए दोनों तरफ कंटीली तार का बाड़ लगाया गया है। इसके बावजूद अगर कोई पशु कभी सड़क पर आ भी जाए तो कैटल कैचर व्हीकल की व्यवस्था की गई है, जो उसे पकड़ने के काम आएगी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं।